हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू केटीवी व्लॉग्स। एक्चुअली कल से मेरी तबीयत ठीक नहीं है, अभी आज भी मेरी तबीयत पूरी तरीके से ठीक नहीं है। तो आज तो बाहर भी हमारे यहाँ बिल्कुल बारिश का सा मौसम हो रहा है, धूप भी ज़्यादा तेज़ नहीं निकली है, तो इस वजह से मैं तो बेड पे ही बैठी हुई हूँ, कुछ नहीं कर रही हूँ आज क्योंकि तबीयत ठीक नहीं है। तो आज मेरे लिए नाश्ता भी कौन बनाने वाला है? कार्तिक पापा बंच और मैं मैं, आज ये तीनों लोग मिलके मेरे को चाय वाय बना के देने वाले हैं, क्योंकि जनरली तो डेली ये मेरी ड्यूटी होती है, लेकिन जब मेरी तबीयत कभी ख़राब होती है तो जैसे कि चाय, इसके पापा को चाय बनानी आती है तो वो चाय बना देते हैं, अदरवाइज इन्हें बाकी खाने वाने का कोई चीज़ बनानी नहीं आती है। तो वो फिर खाना वगैरह, जैसे आपने कल देखा होगा, हमने फिर बाहर से ऑर्डर किया था क्योंकि वो पॉसिबल नहीं है, किसी को बनाना नहीं आता कुछ भी। तो अभी फ़िलहाल चाय पियेंगे, फिर देखते हैं बाकी टाइम क्या करते हैं। वैसे भी काफ़ी लेट उठे हैं हम लोग क्योंकि तबीयत ठीक नहीं थी मेरी, तो अभी थोड़ी देर पहले ही उठी हूँ। तो अभी पहले अपना ब्रेकफास्ट वगैरह कुछ कर लेते हैं, उसके बाद आपसे मिलते हैं। गाइस, आज एकदम से आसमान जो है नीला नीला नहीं हो रहा, धूप भी नहीं आई है बहुत देर से, बाकी अभी तक ठंड बहुत बढ़ चुकी है। बाकी कल का तो बोल रहे कि बर्फ़ हो सकती है, बारिश भी हो सकती है, तो अभी तक यही लग रहा है कि कल बारिश होगी, बर्फ होगी। बर्फ ना गिरे तो अच्छा है, क्योंकि वहाँ पे फिर मुसीबतें पड़ जाएंगी। तो फिर बर्फ ना गिरे ताकि आप एक व्यू देखिए। जो आपको थोड़े टाइम पहले एक मॉल का दिखाया था यहाँ पे, जो एक ही मॉल है अल्मोड़ा में, तो वहाँ पे अब डोमिनोज खुल गया है। तो आज हमने मंगाया है टेस्टी टेस्टी डोमिनोज। अभी तो ये मैक्सिकन टाको बाकी और पड़े, एक ही डब्बा लाए। मेरे मेरे बीमार होने से ना बच्चों को ये फायदा हो जाता है, अब ये ना हो ये बच्चे यही मांगने लगे मम्मी बीमारी रहे ना कि सोचेंगे वैसे मम्मी बाहर का खाने नहीं देती, क्योंकि मैं मतलब बाहर का मंगाने में मैं और मेरे हस्बैंड दोनों ही बहुत एंटी रहते हैं इस चीज़ में कि बाहर का नहीं खाना है। तो लेकिन वही चीज़ है ना, मेरी तबीयत ख़राब है और यहाँ पे हमारे आसपास हमारा कोई रिलेटिव भी नहीं रहता, कि जैसे दिल्ली वगैरह में होते कहीं पे कोई होता है तो फिर वो हेल्प कर देते हैं, लेकिन यहाँ पे तो हमारे पास हमारे कोई रिलेटिव आसपास रहते भी नहीं है और घर में किसी और कुछ बनाना भी नहीं आता। तो अगर मेरी तबीयत ख़राब होती है तो एक ही ऑप्शन हो रह जाता है, बाहर से मंगाना। उल्टा मत करो उसको, ख़राब हो जाएगा। तो और हमने गार्लिक ब्रेड भी मंगाई और हमने पिज्जा भी मंगाया हाँ, तो है, अभी इन लोगों का सब यही खा चल रहा है लेंगे। कि जो बाहर से मतलब इन लोगों को जो जो खाना है इनके पापा वो चीज़ें मंगा दे रहे हैं, कि ये बच्चे वो खाते रहे और मुझको परेशान ना करें, क्योंकि एक्चुअली इस बार तबीयत में ज़्यादा प्रॉब्लम हो गई है, तो मुझसे एकदम मतलब कोई काम करने का भी नहीं हो पा रहा। ये इनको भी लोग नीचे बैठा खाना रही है वगैरह पैर। भी, खाना वगैरह के लिए भी हम लोग अब डिस्पोजेबल यूज़ कर रहे हैं, उसमें लोग खा रहे हैं और फेंक दे रहे हैं ताकि कोई और काम बढ़े ना, जैसे कि यहाँ मेड ने लगा के मैंने को बता ही रखा है। तो फिलहाल ये तीनों हेल्प कर दे रहे हैं और बाहर से खाना आ जाता है, तो वही बहुत है कि फिलहाल काम चल जा रहा है। हो सकता है कल तक और तबीयत में बेटर हो जाएगा और कल तक मैं फिर से अपने रूटीन में कल आ मुझे जाऊंगी। एग्जाम देने जाना है अच्छा हाँ, कल इसका मैथ्स का एग्जाम भी, तो आपको ठीक ही करनी पड़ेगी। तो वो तो एक गुड बॉय है, मेरा हाथ इतना ठंडा हो नहीं, रहा है। वो तो इसने पढ़ाई वढ़ाई अपनी कर ली है, ऑलमोस्ट सब डन है, और अच्छा है कल इसका एग्जाम है, क्योंकि ये तो थोड़ा फिर भी अपने आप पढ़ लेता है। वंश का भी ट्यूसडे को एग्जाम, तो मेरे लिए वो नहीं है कि मुझे उसे पढ़ाना था, मैं उसे कल पढ़ा दूंगी जो भी है, बाकी उसकी पहले से पढ़ाई हो रखी है तो मैं अभी क्योंकि आज वैसे रेस्ट कर मम्मी के सर सकती में दर्द हो हूँ जाता है पढ़ाते पढ़ाते। नहीं अब की बार ना पैरों में सर में काफी दर्द हो रहा है, प्रॉब्लम सी रह रही है, तो मैं इस वजह से मैं सोच रही हूँ थोड़ा आराम कर लूंगी तो तबीयत जल्दी बेटर हो जाएगी। हो सकता है मुझे भी ठंड लग गई हो, क्योंकि ठंड बहुत ज्यादा हो गई है, तो उससे भी प्रॉब्लम होने को हो सकती है। अब जो भी है, अब कल परसों तक तबीयत ठीक हो जाएगी तो फिर आराम हो ही जाएगा। तो अभी आज मैं इसलिए रेस्ट ही कर रही हूँ, तो हस्बैंड भी कह रहे हैं भैया तू ठीक हो जा, ज़्यादा तबीयत खराब होगी तो कौन देखेगा फिर, तो इसलिए मैं अभी आराम ही कर रही हूँ रूम में। फिलहाल डिनर में अभी देखते हैं, थोड़ी देर में सोचते हैं पता नहीं कुछ क्या ही बनाने का। मिलेगा। नहीं मैं वैसे सोच रही हूँ बेटा खिचड़ी बना लें, अब इस टाइम वो मैं बना दूंगी, वो जल्दी बन भी खिचड़ी जाएगी। हाँ वही वही सही है वाले बेटा वो भी खा ही लेंगे, जब हाँ इतना नहीं बाहर का खिला दिया बोलेंगे इतना खिला दिया बाहर का, अब खिचड़ी मिलेगी सिर्फ खिचड़ी। नहीं सही भी है बेटा, मेरे लिए भी ठीक है, खिचड़ी बना लेंगे इस टाइम, वही सही है, सब खिचड़ी खा लेंगे थोड़ी थोड़ी, और ये सही भी है, अच्छा है। अभी थोड़ी देर में जैसे अभी तो शाम ही हो रही है, अभी चाय का टाइम हो रहा है, मैं सोची चाय में अभी खुद ही एक बार बना लेती हूँ, थोड़ा चाय वाय पी लेते हैं सब लोग, क्योंकि ठंड बहुत है, उसके बाद डिनर के लिए फिर खिचड़ी बनाएंगे अपना फिर। तो अभी बना रहे हम टेस्टी टेस्टी चाय। और मम्मा हम बना रहे हैं, पता है हम कौन, हम मैं पानी भर रही हूँ, ये अदरक कूट रहा है, फिर ये मैं पत्ती डालती हूँ, फिर ये चीनी डालता है। इसको पूछा जाए कितनी अच्छी चाय बनानी आती है, बहुत अच्छी, बहुत अच्छी। कब पी मैंने तुम्हारे हाथ की चाय, तो नहीं पिया कभी, बिकती है इतनी अच्छी बनाता है ना कि कड़क वो पकते पकते ही गायब हो जाती है, भगवान ही ले जाते हैं इसकी बनाई हुई चाय, मुझे इसलिए पसंद हम आती लोगों को है। टेस्ट करने को नहीं मिलती है। नहीं मेरा मन कर रहा था मैं थोड़ा चाय वाय पी लूँ, थोड़ा अच्छा लगेगा, तो इसलिए फिर मैंने सोचा इस टाइम मैं बनाती हूँ चाय, अदरक वदरक बढ़िया से डाल के,
नहीं ऐसा नहीं, इसके पापा भी चाय अच्छी बनाते हैं, वरना दोबारा बनाएंगे नहीं अगर मैं कहूंगी नहीं अच्छी बनाते तो। नहीं वैसे वो चाय अच्छी बनाते हैं, पापा चाय पियेंगे पिज्जा के साथ। तो फिलहाल अभी मैं चाय रेडी कर रही हूँ, फिर पीते हैं चाय, क्योंकि ठंडा मौसम बहुत ज्यादा है तो चाय पीने का ठंड में मजा ही कुछ और होता है। मैंने ये वाले राइस बनाए हैं, ये वाइट वाले राइस विद पीस। इसको बनाने का एक रीज़न ये है, मैं वैसे खिचड़ी बनाने वाली थी लेकिन फिर बच्चे कहने लगे कि खिचड़ी खाने का मन नहीं है, तो फिर मैंने सोचा मैं ये वाले राइस बना देती हूँ कि अभी आज का तो डिनर का काम हो जाए, क्योंकि ये चावल बन तो फटाफट जाते हैं, प्रेशर कुकर में चढ़ाया 2 मिनट में रेडी हो गए, तो बच्चों के लिए डिनर भी अच्छा हो जाएगा, उनकी पसंद का भी हो जाएगा, तो इसलिए मैंने फिर ये वाले राइस बना दिए हैं। तो अभी फिर जा रहे हैं हम लोग डिनर करने के लिए, डिनर करने के बाद आपसे मिलते हैं। तो फाइनली आज का दिन भी ठीक ठाक सा, बहुत अच्छा गया डोमिनोज। हाँ बहुत अच्छा गया, बच्चों को डोमिनोज का पिज्जा खाने को मिला, और मम्मी की तबीयत भी अब पहले से, मतलब मेरी तबीयत अब पहले से बेटर हो चुकी है, तो कल तक तो परफेक्ट हो जाएगी। तो अभी हमारे कार्तिक जो है वो उसकी पार्टी जो है वो दोनों बच्चों की, मतलब खाली कार्तिक की नहीं, दोनों बच्चों की पार्टी ड्यू है, तो हम सोच रहे हैं न्यू ईयर पे बच्चों को अच्छा से सेलिब्रेशन देंगे, न्यू ईयर पे इसलिए क्योंकि एग्जाम खत्म की पार्टी। अच्छा हाँ एग्जाम भी खत्म और हृदय सब्सक्राइबर तीनों की पार्टी एक साथ, तीनों। अरे मुझे एक चीज पता चली कि मेरा क्रिसमस का बर्थडे गिफ्ट मेरे जैसे ही जिस दिन मेरे एग्जाम खत्म है उसी दिन मिलेगा। क्रिसमस का बर्थडे गिफ्ट नहीं, क्रिसमस का गिफ्ट मेरे जब एग्जाम खत्म होगा ना, लास्ट एग्जाम से मैं घर आऊंगा तभी आएगा। और दोनों मम्मी वंश का तो एग्जाम तो 30 को खत्म है ना। हाँ तो कोई बात नहीं, जब भी को आएगा जब तो, जब दोनों का आ जाएगा ना गिफ्ट, तब जाके दोनों उसे अनबॉक्स करके दिखाना कि तुम्हारा क्या आया है। नहीं यार दोनों का आ भी गया तो उसे रख देंगे जब तक दोनों के एग्जाम नहीं खत्म। हाँ जब तक दोनों के एग्जाम नहीं खत्म होंगे दोनों एक साथ दिखाना, लास्ट एग्जाम होगा उस दिन खुलेगी। हाँ तो दोनों अपना अपना गिफ्ट क्रिसमस का दिखा देना कि तुम्हें क्या गिफ्ट मिला, और मैं वेट कर रही हूँ कि तुम दोनों मुझे क्या गिफ्ट दोगे न्यू ईयर पे। नहीं हम पहले ही खोल देंगे। नहीं मैं वेट कर रही हूँ तुम मुझे न्यू ईयर पे क्या गिफ्ट दोगे। न्यू ईयर पे मम्मी फिर आप वहीं बैठना दुकान पे काम करना। आपके लिए हम करेंगे सर्वेंट, आपके बन जाएंगे वो भी एक दिन के लिए बस। ओ बेटे बस किया तुम्हारे आज एक दिन, आज एक दिन मैं मतलब नहीं उठ पाई हूँ काम वाम ज्यादा करने के लिए, सारा घर मेरा इधर उधर से सब परेशान हो गए कि अब क्या करें और अब क्या करें, मतलब ये सिचुएशन है घर में। कब हमारा जब मन होगा तभी काम करेंगे। देखा यही होता है। चलो चलो ठीक है बेटा, कल एग्जाम है तो अभी सो जाते हैं, तो गुड नाइट। और हाँ मेरा नहीं है। हाँ और कल मिलेंगे आपके साथ न्यू डे के साथ एक न्यू व्लॉग में। सो लाइक करें अगर आपको व्लॉग पसंद आया, और अगर और भी व्लॉग देखना चाहते हैं तो नीचे आप चैनल पे क्लिक कर सकते हैं, और भी व्लॉग चैनल पसंद आया तो सब्सक्राइब भी कर दीजिए, और नीचे सब्सक्राइब का ग्रे बटन, अगर रेड बटन है तो उसे ग्रे कर दीजिए, ग्रे है तो ग्रे रहने दीजिए। और अगर आपको हमारे वीडियोस अच्छे लगते हैं तो आप उन्हें शेयर भी कर सकते हैं, हाँ अपने फैमिली और फ्रेंड्स के साथ। और 1000 सब्सक्राइबर्स का एम है, और बेल आइकन को भी ऑल पे सेट कर दीजिए ताकि आपको हमारे वीडियो की नोटिफिकेशन आते रहे, और आप हमारे वीडियोस मतलब हमारे रोज का रेगुलर लाइफ की, हम रेगुलर लाइफ में क्या करते हैं कैसे रहते हैं वो सब आप एंजॉय कर सकें। तो हम आपसे मिलते हैं कल के न्यू डे के साथ न्यू व्लॉग में। सो बाय बाय फ्रॉम K2V2 व्लॉग्स, बाय।